ये मैं करेले बनाने लगा हूँ। ये 2-3 वीक पहले मैंने ला के इसको साफ करके काट के तो फ्रोज़न कर दिए थे, फ्रीज़र में रख के। ये बीज भी इसके साथ हैं और ये स्किन भी इसके साथ है, ये छिलके के साथ है बिल्कुल। ये खाना इजी नहीं है क्योंकि ये करेले हैं और बड़े कड़वे होते हैं, लेकिन ये मैं कभी कभी पकाता हूँ तो मैं इसी तरह पकाता हूँ बगैर इसके छीले हुए। तो इसको मैं अभी चंद चीज़ें डालूँगा। इसको पहले मैं, ये जो आग है इसको मैं फुल रखूँगा ताकि ये, अभी ये प्याज है, लहसुन है और टमाटर है, ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं ये, और 4 चीज़ें ये मैंने डालनी है इसमें। ये थोड़ी सी लाल मिर्च है, जीरा है, हल्दी है और ये पिंक नमक है। और ये डाल के अभी मैं इसको 1 कप जो है पानी का डाल के इसको मैं एक बॉयल दूंगा, फुल बॉयल। उसके बाद इसको मैं कवर करके हल्की आग पे, इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगा। अभी ये जब पक जाएगा इसका जो टेस्ट है वो कड़वा होगा, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको एज ए दवाई समझ के ही खाना पड़ेगा, क्योंकि ये चावलों के साथ या रोटी के साथ, नान के साथ, अचार भी रखा जा सकता है, थोड़ा सालड भी, तो ये डिपेंड है। अगर कोई खा सकता है इस तरह तो ठीक है, वरना ये इजी नहीं है। अगर कोई डायबिटिक है या कोई और उसको, तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये लाइफ स्पैन को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, हेल्थ रिलेटेड बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। अब ये तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट तक ये तैयार हो जाएगा। अभी मैं इसको फुल बॉयल दूंगा, उसके बाद आंच को थोड़ा कम कर दूंगा, थोड़ा स्लो स्लो आग के ऊपर ये पकेगा।